असलम फ्रेंड, मैं किस रोशन यूट्यूब चैनल से दोस्तों को शाम दी। अब मेरे पास एक डेल का लैपटॉप है 5320 यानी कि डेल 5320। आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा इसको मैं अपग्रेड कैसे करूंगा, इसकी सर्विस कैसे करूंगा और इसको ओपन कैसे करते हैं। आपको मैं पूरी वीडियो में तमाम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर अभी तक आप दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी सॉल्यूशन और मेरा फेसबुक पेज मल्टी सॉल्यूशन ऑफिशियल अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल की बंद नोटिफिकेशन ऑल पर कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिले। चलिए फ्रेंड, वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रेंड, जब भी आप दोस्तों ने लैपटॉप ओपन करना है, लैपटॉप ओपन करने से पहले आप दोस्तों ने सबसे पहले लैपटॉप का डिस्प्ले चेक करना है, उसके बाद ऑफ करके बैक साइड से तमाम स्क्रूज ओपन कर लेने हैं। उसके बाद बैक साइड से आप दोस्तों ने तमाम स्क्रूज ओपन कर लेना है एक एक करके। इसकी रबड़ के नीचे कोई स्क्रू नहीं होता, इसलिए आप फ्रेंड्स को ज़रूरत नहीं है कि आप इसके रबड़ ओपन करें, और ओपनर या पुलर की मदद से आप दोस्तों ने हिंज वाली साइड से इसको इजीली ओपन कर लेना है ताकि इसका बैक कवर यानी कि डी पैनल ओपन हो जाए। और हर वीडियो में आप दोस्तों से कहता हूँ कि सबसे पहले अपने वर्किंग करने से पहले आप दोस्तों ने बैटरी का जैक रिमूव करना है, उसके बाद इस पर वर्किंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद मैं इसके बैटरी के तमाम स्क्रूज ओपन कर लूँगा ताकि हमारा लैपटॉप में से बैटरी रिमूव हो जाए और हम बाकी काम इजीली कर सकें। ये देखिए फ्रेंड, इजीली हमारी बैटरी रिमूव हो गई है। उसके बाद मैं इसका ट्रैक पैड का पता रिमूव करूँगा और ये लाइट्स का पता रिमूव करूँगा। उसके बाद वाईफाई रिमूव कर रहा हूं। उसके बाद फैन के स्क्रूज रिमूव करूंगा ताकि हमारा मदरबोर्ड सी पैनल से अलहदा हो जाए, और मदरबोर्ड के तमाम स्क्रूज रिमूव कर रहा हूं। इस लैपटॉप को अपग्रेड करना भी बहुत ही आसान है। इस बोर्ड में रैम जो है वो बिल्ट इन है, सिर्फ और सिर्फ आप दोस्त NVMe इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। LVDS जैक मैं रिमूव कर रहा हूं। मदरबोर्ड के तमाम स्क्रूज ओपन हो जाए तो आप दोस्तों ने इसको इजीली रिमूव कर लेना है। ये हमारा स्पीकर जैक है। और ये हमारी सिम सॉकेट है। यहाँ पे हम WAN कार्ड भी ऐड कर सकते हैं जिससे हम सिम या 4G यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत इजीली हमारा मदरबोर्ड रिमूव हो गया है। अब मैं इसका हीट सिंक ओपन करके इसकी पेस्टिंग करूंगा। पेस्ट आप दोस्तों ने चेक कर लेनी है, अगर वो बिल्कुल हार्ड हो तो आप दोस्तों ने सारी की सारी रिमूव करके उसको न्यू पेस्टिंग लगानी है, और अगर वो ऑयली ऑयली हो तो आपने उसके अंदर बस थोड़ी सी पेस्ट और ऐड करनी है।
ये पेस्ट जो सी इसमें लगी हुई थी वो ऑयली थी, इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी पेस्ट और ऐड करके इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप दोस्त अपना मदरबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं खुद ही। ये हमारा फैन का जैक लग रहा है। और मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ, इसमें NVMe छोटा कार्ड लगा हुआ है, इसमें आप 3 साइज के कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़े वाला। इस मॉडल में आप दोस्त रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये मदरबोर्ड पर बिल्ट इन रैम है, जिसके ऊपर मैं ये ब्लैक पेपर लगा रहा हूँ, ये हमारी बिल्ट इन रैम है। तमाम काम करने के बाद आप दोस्तों ने सी पैनल और इसकी लिग वाला हिस्सा पकड़ना है और इसमें बोर्ड को एडजस्ट कर देना है। तमाम जैक्स निकाल लेने हैं मदरबोर्ड के नीचे से। और एक एक करके तमाम सिक्योरिटी जो आप दोस्तों ने इसमें से ओपन किए थे वो लगा देने हैं। ये मैं LVDS का जैक वापस से लगा रहा हूँ। ये वाईफाई के केबल्स की ड्रेसिंग कर रहा हूँ। तमाम केबल्स की ड्रेसिंग करके ये हमारी हो गई स्पीकर का जैक। तमाम केबल्स की सॉरी अच्छी तरीके से आप दोस्तों ने ड्रेसिंग करनी है और ये तमाम जैक्स भी लगा देने हैं याद से। ये हमारी टाइप सी की पत्री है जो कि हमारी टाइप सी को सपोर्ट मिले इसलिए ये लगी हुई है। और ये हमारी WAN की पत्री है, यानी कि अगर किसी ने WAN लगा होगा तो उसके बाद इसकी पत्री है। इसकी केबल्स वगैरह के लिए ये हमारी वाईफाई की केबल्स। और दूसरी चीज, व्हाइट पर व्हाइट लगाइएगा और ब्लैक पर ब्लैक, एक नंबर पर एक और दो नंबर पर दो। अगर आप दोस्त इसको ऑपोजिट लगाएंगे यानी कि दो पे एक और एक पे दो, तो आपके सिग्नल्स में इश्यू आएगा, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आएंगे। इसलिए 1 को 1 पर लगाइए और 2 को 2 पर लगाएं। लोग बहुत सारी ये मिस्टेक कर जाते हैं बाज़ जिससे उनको सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ जाता है वाईफाई में। और ये हमारी सिम जैकेट हो गई। और तमाम काम करने के बाद आप दोस्तों ने इसके स्क्रूज लगाने हैं। और उसके बाद इसका बैटरी टर्मिनल इंसर्ट कर देना है। ये मैं बैटरी के स्क्रूज लगा रहा हूं। उम्मीद है फ्रेंड ये डेल लैटिट्यूड 5320 की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आप दोस्तों से इसी तरह की किसी और न्यू अच्छी वीडियो में मिलता हूँ।
और इसके बैक कवर के तमाम स्क्रूज लगा देने हैं जो कि वॉशर के साथ होते हैं और ये निकलते नहीं हैं, इसके सी पैन डी पैनल में ही मौजूद रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और तमाम काम करने के बाद दोस्तों ने इसका डिस्प्ले एक दफा और देख लेना है।